ये मैंने ऑन करी, देखो कुछ नहीं आ रहा है, ये देखो कुछ नहीं आ रहा है इसमें। सो गाइस अब यहाँ से हम लोग लाइफ टाइम पे गए और ये देखो कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो 4.1 के दिखा रहा है इसमें। बट सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दी राइडिंग सोल, और आज फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं। सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो बस अभी मैं जस्ट लखनऊ पहुंचा हूँ, तो मैंने सोचा कि ना ब्लॉग की शुरुआत करी जाए। मैं बाइक के साथ निकलने वाला था, मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, तो अभी जा रहा हूँ मैं सुशांत भाई के घर, और सडन मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई तो आपको दिखाता हूँ। देखो मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये है चाबी, ये मैं चाबी इसमें लगाऊंगा, और ये मैंने ऑन करी, देखो कुछ नहीं आ रहा है, ये देखो कुछ नहीं आ रहा है इसमें। चाबी ऑन हो गई, ना लाइट जल रही, स्टार्ट भी नहीं हो रही है, देखो ये देखो, और ना हॉर्न बज रहा है, ऑन मैंने जबकि कर दिए, देखो। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने सोचा यार क्या हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। अब मतलब अभी स्टार्ट करी थी, स्टार्ट करते करते अपने आप चलते चलते बंद हो गई है, ठीक है, स्टार्ट होते होते बंद हो गई, तो फिर कुछ इग्निशन कुछ भी नहीं आ रहा गाड़ी में। तो फिर मैंने कॉल करके पूछा सर्विस सेंटर पे, तो उनने मुझे बताया कि ये फ्यूज़ की प्रॉब्लम होगी। तो मैं अभी जस्ट गया, फ्यूज़ लेके आया, तो अभी चलो वो फ्यूज़ को लगा के देखते हैं। ये रखा है वो फ्यूज़, तो 15 एम्पियर का फ्यूज़ होना चाहिए गाइस, जितना ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज़ होगा उतना फ़ायदा होगा, कम नहीं होना चाहिए 15 एम्पियर से, ठीक है। तो चलो सीट को हटा के देखते हैं, अगर आपकी गाड़ी में ये हो रखा है गाइस तो यही दिक्कत होगी। चाबी को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ये जो डिब्बी है यहाँ पे इसको खोलेंगे, ठीक है, और ये देखो 7.5 13, यहाँ पे 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है, तो वो फ्यूज़ मैंने फेंक दिया है, और ये है 15 एम्पियर का फ्यूज़, तो इसको लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखा कैसा शॉर्ट हुआ अभी, तो ये हमने लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब काम करते हैं, चाबी को करते हैं ऑन, देखो सब आ गया, स्क्रीन सारी आ गई, तो ठीक है गाइस। अगर कभी आप चलते चलते हामा की R15 में भी अभी बारिश की वजह से एक्चुअली हो जाता है ऐसा, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बारिश की वजह से ऐसा हो जाता है, फ्यूज़ चला जाता है, तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आप चलते चलते आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो ज़रूर से याद रखना कि आपके पास ये फ्यूज़ की प्रॉब्लम होगी। 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगेगा यहाँ पे, मैंने 2 एक्स्ट्रा ले लिए, यहाँ लगाया यहाँ लगाया, तो ये दिक्कत आई है, ठीक है। स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको, न्यूट्रल पे ही। वाह यार, मतलब ये गाइस गाड़ी जो है मेरी ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से बंद पड़ी हुई थी, और अभी मैंने स्टार्ट करी है, स्टार्ट हो गई तुरंत, तो सही है गाड़ी, बहुत अच्छा। मतलब लोग ही बैटरी डाउन हो जाती है यार, मेरी गाड़ी ऐसी कैसी खड़ी हुई थी, और अभी के अभी 1 साल मारा और स्टार्ट हो गई। इंजन ऑयल बैठा हुआ था तो उसकी साउंड आ रही थी, काफ़ी रिफाइंड साउंड आ रही है, ठीक है। तो सो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, एंड ये जो चीज़ मैंने बताई होप करता हूँ आपके लिए कभी ना कभी काम आएगी। फ्यूज़ हमेशा याद रखना कि ज़रूर से ज़रूर ले के रखे रहना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं सीटों कवर करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी जा रहा हूँ मैं सुशांत भाई के घर, वहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट सी चीज़ें जो आपको दिखानी है, ठीक है। तो उनसे भी काफ़ी टाइम से नहीं मिले, 1-1.5 हफ्ता हो गया, तो चलो मिलते हैं और आपको आगे की चीज़ में कुछ क्लियर करता हूँ, ठीक है चलो। और आज है संडे, तो संडे राइड तो नहीं हो पाई, इसलिए मीटअप ज़रूरी है आज। सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तो क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है, ठीक है। तो चलो चलते हैं बिना देरी के साथ, करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। होकर तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी तो मेक श्योर की लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप सीधा शशांक भाई के घर पर। सो गाइस, चलो अब चलते हैं, और गाड़ी को वार्म अप सेशन ले लिया, अब एक सेटअप मैंने यहाँ पे और लगा दिया है, देखेंगे इससे कैसी वीडियो बनती है, ठीक है। तो थोड़े चीज़ें डाल लेंगे, हवा भी डलवानी है गाड़ी में, और जो लगा के हिस्सा यार, मुझे एक इशू और हो गया अभी मेरी गाड़ी में, मैं आया मैंने तेल कम डला के छोड़ा हुआ था, तो हुआ ये कि अली जो लाइट है ये देख रहे हो, ये लाइट फ्यूल पंप वाली आ गई है, जल गई है, तो इसे कहते हैं बैड लक, ठीक है। अब देखेंगे क्या करवा सकते हैं,
तो गाइस अभी निकल रहा हूँ मैं शशांक के घर, ठीक है। गाड़ी को थोड़ा टचअप दे देते हैं, एयर वेयर फुल करवा देते हैं, फिर खड़ी कर देंगे, क्योंकि आजकल काम में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ मैं अपने। एंड काम क्या है यार, वो थोड़ा अपना अपने से रिलेटेड है, वो नहीं शेयर कर सकते। तो गाइस होप करता हूँ आपको जो ये फ्यूज़ वाली वीडियो थी, ये जो फ्यूज़ वाली प्रॉब्लम थी, ये समझ में आ गई होगी। आपकी आर एन फाइव में भी हो या आपकी एमटी या यामा से कोई भी रिलेटेड बाइक हो, तो अगर उसमें ऐसा होता कि चलते चलते ये ऐसे ही हुआ था, खड़ी हुई थी ऐसे, स्टार्ट थी और स्टार्ट हुई हुई बंद हो गई, ठीक है, तो यही दिक्कत होगी। अगर फ्यूज़ की दिक्कत होगी तो यही होगा, मेक श्योर आप चेकआउट कर लेना ज़रूर से ज़रूर। तो अभी इतनी बारिश नहीं हो रही, मौसम भी काफ़ी अच्छा खुला हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको निकाला जाए। तो आज ऑलमोस्ट डेढ़ हफ्ते के बाद मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है, और अब देखा है कि मतलब बहुत इसका जो एक सेल्फ था वो मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद, कि एक डेढ़ हफ्ते के बाद मैंने सेल्फ मारा और स्टार्ट हो गई, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा कि दूसरी चीज़ जो इसका सेल्फ स्टार्ट हुआ ना यार, इसका जो इंजन नीचे बैठ इंजन ऑयल जो नीचे बैठा हुआ था इंजन में, जब मैंने स्टार्ट करा तो जो रिफाइनमेंट आ रहा था ना इंजन का, मज़ा आ गई यार, बहुत अच्छी लगी मेरे को। यार देखो दूसरा कैमरा यहाँ चल रहा है फ़ोन में, तो इसी से मैं डालूँगा अब सिनेमैटिक्स थोड़े। तो चलो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे यार, और मेक श्योर गाइस इंस्टाग्राम दिया है मैंने, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, थोड़ा मेरे फॉलोवर्स को भी बढ़ा लो, और मेरे ही नहीं इनफैक्ट शशांक के, मोनू भाई के, सबके देखो स्क्रीन पर आ रहे होंगे। एक भाई अपना एक और है अरमान ऑटो वर्क्स, तो शायद आप लोग बहुत कम ही लोग होंगे जो लखनऊ में उनको जानते होंगे। सो गाइस अगर आपने उनके गैरेज पे ले जाके अपनी बाइक में किसी कोई भी काम करवा लिया ना, तो आई एम डैम श्योर डैट कि आप दोबारा तो आप जाने वाले हो, क्योंकि भाई बंदा जो इतना ग्रेट काम करता है तो आप जाओगे डेफिनेटली, बात है, ठीक है। अभी एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूँ, हम लोग डोमिनार से गए थे बेनेले X50 का एग्जॉस्ट लगवाने, बेनेली कंपनी में बेनेली अपनी बाइक में लगा के देती है जो एग्जॉस्ट, एक्सेल का X50 होता है, तो वो हम लोग डलवाने गए थे। हुआ क्या एक्चुअली, बाइक मतलब वीडियो बनवा ली थी मैंने, अरमान भैया की भी जो वीडियो थी वो भी बना ली थी, काफ़ी उनके काम भी दिखाए थे उस वीडियो में, बट गाइज यू नो द किस्मत, जब वापस लौटे तो मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुका था और मेरी बुद्धि ख़राब हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब काम जब निपट जाएगा अपना तभी आके ये सब चीज़ें करवा लेंगे। इनफैक्ट मैंने फिर यही करवाया, मैं जब अब आया हूँ तो मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी, होपफुली ये जो वीडियो है ये वीडियो मतलब समझ रहे हो, ये भी करप्ट ना हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद आज गाड़ी को चलाने में मज़ा आ रही है, बस इससे कोई दिक्कत ना हो यार, ये मुझे बहुत डरा रहा है जो फ्यूल पंप का साइन आ गया है। और गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वो भाई आपका सुपर बाइक्स में काम करते हैं, मॉडिफिकेशंस में काम करते हैं, पेंट जॉब्स में और बॉडी के जो भी चेंजेस होते हैं उन सब में काम करते हैं, तो ऑलमोस्ट टोटल मॉडिफिकेशन के साथ इंजन के हर एक काम को वो जानते हैं बाखूबी। तो आप बेझिझक जाओ, मैं आपको एश्योर करूँगा कि उनका काम बहुत अच्छा है, भाई का काम जो है बहुत अच्छा है, टॉप नॉच काम है। अब मैंने सोचा है एग्जॉस्ट लगवाने की, तो एग्जॉस्ट मैं लगवाऊंगा एंड मैं उन्हीं से लगवाऊंगा, मैंने जैसा उनको डिज़ाइन बताया, जैसा उनको काम बताया, होपफुली वैसे काम मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो होप करता हूँ गाइस सारी चीज़ें सही रहें, नहीं रहेंगी तो सही कर ली जाएंगी, गॉड ग्रेस अपने साथ हमेशा रहेगी। तो चलो गाइस बहुत बातें हो गई जो बताना था, अच्छा हाँ बहुत बातें तो हो ही गई, बस काम की बात नहीं हुई। तो गाइस बहुत खुशी की बात है कि अब होने वाला है हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन का क्या प्रोसेस है मैं अभी चल के आपको बता दूंगा, ठीक है, और जो पहला पार्ट है वो इसी वीडियो में डालूंगा ताकि थोड़ा यू नो समझ में आ जाए आपको। तब जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पूरी मोनेटाइजेशन की, पूरा एक चैप्टर जो मैंने कैसे कब क्या 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 चीज़ें करी, कब पेमेंट गिरा, तो वो व्लॉग ऐसे आएगा। जब तक एक पेमेंट गिर नहीं जाएगी उस मेरे चैनल की, तब तक मैं उसका व्लॉग नहीं डालूंगा और उस व्लॉग को ख़त्म नहीं करूंगा। तो अभी बस एक झलक दिखाऊंगा आपको छोटी सी, ठीक है। तो चलो होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो चलो गाइस चलते हैं शशांक भाई के पास एंड चैनल की
मोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है? तो चलो लेट्स द नेक्स्ट फ्रेम बिगिन इन 3, 2, 1। सो गाइस हेलो और वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं शशांक भाई के घर पे। तो सारी बातें हो चुकी हैं, अब जो मेन चीज़ है वो आपको दिखाई जाए। तो ये रहा कंप्यूटर, और कुछ दिखाता हूँ कि ये देखो ऑलमोस्ट 1430 सब्सक्राइबर के साथ 3892 वॉचिंग आवर्स हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट कल तक हो जाएगा ये हम लोग का कंप्लीट। वो वाला दिखाना जरा, दैट्स हाँ वॉचिंग आवर्स कस्टम सॉरी। सो गाइस अब यहाँ से हम लोग लाइफ टाइम पे गए और ये देखो कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो 4.1 के दिखा रहा है इसमें, बट कल जो हम लोग को ये कल परसों तक हम लोग का कंफर्मेशन हो जाएगा कि चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है। तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ें आपको शेयर करी जाएगी। उसकी मैं अलग से कौन नहीं वीडियो बनाने वाला हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, हमें कैसे चैनल को मोनेटाइजेशन करना चाहिए, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें उस वीडियो में आ जाएंगी। और गाइस इस जो चैनल के मोनेटाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है, जो पार्टी है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। मैं सबको इन्वाइट करने वाला हूँ उस पार्टी में। तो होगा तो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ये जो सारा प्रोसेस देखने के लिए जरूर से जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उस पर सारा मैं स्टेप बताने वाला हूँ और वीडियो को भी बताऊंगा। तो वो करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी बड़े से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।